अगर नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। दोस्तों, हम सबको साउथ मूवीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। साउथ इंडस्ट्री की बॉक्स ऑफिस मार्केट भले ही बॉलीवुड से कम हो, लेकिन कंटेंट वाइज साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से बहुत आगे निकल चुकी है। साउथ इंडियन मूवीज़ को आज वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पर करोड़ों लोग देखते हैं। बड़े बड़े OTP प्लेटफॉर्म बॉलीवुड मूवीज़ के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा वो साउथ मूवीज़ की स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने के लिए करते हैं। इसी से हम साउथ इंडियन मूवीज़ का बढ़ते पॉपुलरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साउथ इंडस्ट्री और साउथ मूवीज़ में कोई कमियां नहीं है। कुछ ना कुछ कमजोरी साउथ इंडस्ट्री में भी है। जैसे जैसे हम बॉलीवुड के नेगेटिव साइड्स को कोसते हैं, वैसे ही आज हम साउथ इंडस्ट्री के ऐसे बातें डिस्कस करेंगे जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फीमेल लीड विथ नो सब्सटेंस। किसी भी फिक्शनल काम में, मतलब किसी भी काल्पनिक काम में, जैसे कि मूवीज़ हुई, बुक्स, स्टोरीज, कोई भी हो, इसमें मेल कैरेक्टर को छोड़कर सिर्फ वुमेन के इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, स्क्रीन प्रेजेंस, रोल्स, सब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिससे हम बेकडेल टेस्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कॉमर्शियल साउथ इंडियन मूवीज़ इस टेस्ट को पास नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हर मूवीज़ को यह टेस्ट पास करना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल किसी भी फील्ड और इंडस्ट्री में वुमेन प्रेजेंस और जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। साउथ इंडियन मूवीज़ में हमेशा मेल लीड कैरेक्टर हर सीन में वुमेन को डोमिनेट करता है, जिससे हीरोइन और बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप करने का मौका नहीं मिलता। मूवी की प्लॉट में बस मेल कैरेक्टर को पुलिस किया जाता है और वही हमेशा डोमिनेट करता है। तुम मैं प्यासा हूँ, तुम मेरी ग्लास हो, जब से तुम आई हो जिंदगी नमकीन बन गई। नंबर 2, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म हर जगह देखने को मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर इंडस्ट्री में जान पहचान और कॉन्टेक्ट है तो काम मिलना आसान होता है, लेकिन विदाउट एनी कॉन्टेक्ट अगर आपके पास टैलेंट हो तब भी काम नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो बाकी इंडस्ट्री की कंपैरिजन में स्पेशली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म देखने को मिलता है। अल्लू चिरंजीवी फैमिली, एक्कीनेनी, दुगुपति फैमिली, नंदामुरी फैमिली, लगभग सारे पॉपुलर मेन स्ट्रीम हीरोज इन्हीं फैमिली से आते हैं। प्लस इन लोगों के पास खुद का अपना अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसे ये लोग फिल्म भी खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह 2-3 फैमिली कम्प्लीटली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। इन्हीं फैमिली के कॉमर्शियल स्टार्स के साथ टॉप फिल्म मेकर और डायरेक्टर्स कोलाबरेट करते हैं। इसी वजह से न्यू कमर्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नानी, सिद्धार्थ, विजय देवरकोंडा जैसे न्यू कमर्स अब तक टायर फर्स्ट मेन स्ट्रीम एक्टर्स होते अगर ये लोग भी इन्हीं फैमिली से बिलोंग करते तो। जो भी हो, फिर भी लोग टैलेंट और स्ट्रगल को आजकल पहचानने लगे हैं। अगर मेहनत और अच्छा कंटेंट हो तो लोग खुद इसको अप्रिसिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी मेन स्ट्रीम फिल्म्स को रिजेक्ट करते हैं, फिल्म्स फ्लॉप होते हैं, सब ऑडियंस के हाथ में है। इस टॉपिक पर आप खुद ही समझदार हो। नंबर 3, द ग्लोरीफिकेशन ऑफ स्टॉकिंग। लड़की को ताड़ो, उसका पीछा करो और वो आपकी हो जाएगी। ये स्टोरी आपने लगभग सारी मूवीज में देखी होगी। जब हीरो डिसाइड कर लेता है कि वो लड़की को पसंद करता है तो वो उससे पीछे लग जाता है और हमेशा लास्ट में उसको पटा कर छोड़ता है। हीरो स्मार्ट और डेसिंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये चीज़ रियल लाइफ में लड़के के माइंड को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। वो सोचेगा कि स्टॉकिंग बिहेवियर इज ओके। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे तुम हो। डिस्टर्ब करूंगा जब तक प्यार नहीं होता, बस इंतजार करो, तुम मेरी बनोगी। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। स्टॉकिंग बिहेवियर इज नॉट ओके। मूवीज आर जस्ट ए वर्क ऑफ फिक्शन। सिर्फ साउथ मूवीज में ऐसा होता है, रियल लाइफ में नहीं। और हर साउथ मूवीज में ऐसा ही होता है, प्रेडिक्टेबल स्टीरियोटाइप सीन। आपको क्या लगता है, इस ग्लोरीफिकेशन ऑफ स्टॉकिंग इन मूवीज इज ओके? कमेंट डाउन बिलो। नंबर 4, एजेइज्म टुवर्ड्स वुमेन।
एजिस्ट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज। साउथ इंडस्ट्री में मेल एक्टर अगर 65 साल का भी हो तो वो 20 साल ओल्ड यंग बॉय का रोल निभाता है, लेकिन एक फीमेल एक्टर टू ओल्ड हो जाती है जब वो 30-35 साल क्रॉस करती है। तो 30 साल में एक फीमेल एक्टर क्या कुछ करेगी, लीड रोल के पाने के लिए स्ट्रगल करते करते 30 क्रॉस हो जाती है, उसके बाद अपने एज के एक्टर्स के साथ काम पाना मुश्किल है। उसकी वजह अपने डेट की उम्र के एज के साथ रोल मिलता है, नहीं तो मदर या आंटी का रोल मिलता है। इसलिए ज़्यादातर फीमेल एक्टर्स को साउथ इंडस्ट्री में अपना करियर मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है एजिस्म की वजह से। मैं इधर एज गैप के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेल एक्टर और फीमेल एक्टर को जो एज के हिसाब से रोल दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें भी आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों, ये थे कुछ बातें जो साउथ इंडस्ट्री में मुझे पसंद नहीं है। आपको साउथ मूवीज़ तो पसंद है, लेकिन कुछ बातें आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। आपको भी लगता होगा कि एक चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ अगर नहीं होती तो अच्छा होता। वो क्या चीज़ है नीचे कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि यूट्यूब पर एंगेजमेंट बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में।